इंक्वायरी मत करो, आराम से आपकी डॉक्यूमेंटेशन लिखिए, प्रॉपर टेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, बिल्कुल बस उसको ध्यान रखना है आपको कोड की जगह पे मतलब सेलेक्ट करना। तो जिस सेल में आपको कोड लिखना है उस सेल में आप कोड को सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोड लिख दिया और हमने कहा हेलो और मैंने इसको रन भी कर दिया। ठीक है, अब ये मिक्स है जरा, टेक्स्ट भी है मेरा, कंटेंट भी है मेरा। अब हमें करना क्या चाहिए, अब इस टेक्स्ट को हमें किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली हम फाइल पे जाते हैं, डाउनलोड करते हैं हमारे पास, डाउनलोड के बारे में और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि किस तरह से इस फाइल को आप यूज करना चाहते हो। आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको, लेटेस्ट फॉर्मेट आपको पता होगा काफी यूज किया जाता है रिसर्च में, आप लेटेस्ट फॉर्मेट में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर चाहे तो नॉर्मली जब डाउनलोड करेंगे तो ये हमारी फाइल देखिए डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल देखिए, तो फाइल को भी हमने सेव नहीं किया, तो मान लीजिए मैं इसको एक फाइल बना देता डेमो डॉट टेस, ये मेरी फाइल हो चुकी है। देखिए इसको मैंने री डाउनलोड किया फर्दर, अब इस फाइल को कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उससे एडवांटेज क्या होगा देखिए आपको, मान लीजिए मैंने ये फाइल यहाँ से बंद कर दी, ये फाइल हमारी थी, एक सेकंड इसको हम बंद कर देते हैं पहले, ये मेरी डेमो फाइल थी, ये मैं यहाँ से बंद कर, तो डेमो देखिए यहाँ पे आ रही है मेरी फाइल, अब मैंने फिलहाल सब कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इस वक्त फाइल ये ना आपके पास है ना मेरे पास, तो जब मैं फाइल शेयर करूंगा तो फाइल आपके पास आ चुकी होगी, उस फाइल को सिंपली आप अपलोड कर दो। यहाँ से आपने अपलोड किया, जो फाइल गई होगी डाउनलोड फोल्डर में वाइट फोल्डर गई होगी, ये आ गई यहाँ से, आप इसे सेलेक्ट किया, ओपन किया और ये फाइल देखिए आपके सिस्टम में आ चुकी है। इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ फाइल शेयर करना हमारे लिए बच्चों का खेल, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्कूल को अगर आप वैसे नॉर्मली यूज करोगे इस फाइल को रीड करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर में बोलना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इस फाइल को गिटहब पे डाल दीजिए, गिटहब पे ये फाइल जैसे नॉर्मल वर्ड फाइल की होती है वैसे मिल जाएगी और आपको अलग से किसी टूल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, गिटहब के अंदर ये नॉर्मल फाइल के तौर पर मिल जाती है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको पीडीएफ के तौर पर इसको सेव कर लीजिए, तो ये आपके कंटेंट भी रीडिंग के लिए भी रहेंगे आपके पास, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके लिए सपोर्टिंग के लिए बाय डिफॉल्ट नहीं होता क्योंकि सपोर्टिंग टूल मांगता है, उसको हमें यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद पीडीएफ में भी जाता है। ठीक है, ये हमें मतलब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जो हमें यहाँ पे इसकी करनी होती है। एक चीज और ध्यान रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट विंडो की हमारी सर्वर है इसको क्लोज नहीं करना है कभी, क्योंकि अगर इसको आपने बंद कर दिया तो होम वाली टैब इसको भी बंद मत करिएगा क्योंकि केवल उसका आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दो तीन चीजें इसके अंदर बहुत ही जरूरी चीज। अब देखिए एक और चीज होती है कभी कभी, अब जब हम इसको खोल रहे हैं कंप्यूटर को कौन से ब्राउजर में लेके जा रहा है, एज में लेके जा रहा है, क्योंकि मैक्सेट इसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, हम लोग आदत है क्रोम की, क्रोम तो हम यहाँ से बंद करके क्रोम में जाना चाहते हैं, ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों की दिक्कत, कुछ नहीं करना आपको इसी वाले को कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके इसको बंद कर लीजिए। ब्राउजर से क्योंकि लेना देना कुछ नहीं है, बैकग्राउंड सर्वर चल रहा है आप लोगों, ठीक है, ब्राउजर से कोई हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता वहाँ से, इसको बस इसको बंद मत करिएगा, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, आप अपना कोई भी पसंदीदा ब्राउजर खोल लीजिए जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं और वहाँ उसकी आदमी को फेस कर दीजिए, उसी सर्वर से फिर से आप कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे गूगल मांगना चाहिए तो प्रोजेक्ट में करा तो एक काम करिएगा, तब ये स्ट्रिंग ही एरर आती है, तो ये जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट विंडो आई थी ये पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्यूआरएल आ रहा है, लोकल होस्ट 3 से आगे टोकन आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से अगर वहाँ पे शिकायत करता है दूसरा प्रोजेक्ट तो आप यहाँ से ये यूआरएल पिक कर लीजिए, तो इसके अंदर टोकन भी है। ठीक है, क्योंकि अगर टोकन रिक्वायर होता है लोगों को, यहाँ से मैंने लिया और इसको मैंने एंटर कर दिया, एंटर से कॉपी हो जाता है यहाँ से, मैंने ब्राउजर में वापस गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी मन पसंदीदा ब्राउजर भी सिलेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कैसे रन कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत आती है मुझे आप कनेक्ट कर सकते। चलिए, उसी बात क्या होती है देखिए, इसके लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पाइथन इतना बड़ा इतनी बड़ी लैंग्वेज है और मैंने कहा वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज लैक्स ऑफ फंक्शंस, तो अगर आप ये उम्मीद करके पाइथन को याद कर लेंगे भूल जाए इस बात, नोबडी कैन रिमेंबर,
या कोलैब में भी आप सेव कर सकते हैं, गूगल कोलैब में भी आप सेव कर सकते हैं, और उनको जब जरूरत पड़े तब आप बोल सकते हैं। समझे बात की? अगर हम लोग भी तो सोचे कि हम सारी कमांड्स को याद कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो भी हम नई चीज़ें बनाते हैं, उनके हम नोटबुक्स रेडी करके रखते हैं, और जब भी हमें किसी टूल की जरूरत होती है, हम फटाफट नोटबुक को खोलते हैं, एक क्विक ओवरव्यू मारते हैं, उसके बाद फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट, या वहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें कोई भी याद दुनिया में नहीं रख सकता, हम सोचे तो कोई भी नहीं रख सकता। इसलिए अगर लर्निंग कभी की जाती है या किसी को कराया भी जाता है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, नोटबुक शेयर कर देते हैं एडवांस। हम भी बच्चों को क्या करते हैं, नोटबुक शेयर कर देते हैं कि बेटा इसको जरा देख के आना, देन वी एक्सप्लेन, फिर उस पर से कोड को लोग यूज करते हैं। ये चीज, ये एक अप्रोच है इसके अंदर काम करने, क्योंकि हर सारे कमांड को मैं एक एक करके लिखूंगा करूंगा तो 3 घंटे का टाइम बस बोले, 3 घंटे के अंदर 3 टूल तो क्या मैं एक ही टूल लेकर आ पाऊंगा। इसलिए जब कभी हम लोग इस सब चीज़ों को पढ़ाते हैं, उसकी बेस्ट अप्रोच ये होती है कि हम कंटेंट रेडी रखते हैं, वी एक्सप्लेन, फिर नोटबुक आपको दे देते हैं, जिससे आप उसको बाद में रेफर। ये तरीका होता है, अप्रोच होती है इसका पढ़ाने का। तो मान लीजिए अभी हम नंपाई की बात करें, तो नंपाई हमारे पास क्या है, ये आपका नंबर क्रंचिंग का हमारा टूल है पाइथन के। कोई भी नंबर्स पर हमें काम करने होते हैं, अभी हमने एक चीज़ देखी थी, लिस्ट कलेक्शन, डेटा को आप लिस्ट में मेंटेन कर दो तो ये वनडी अरे आई करेंगे, लेकिन अरे नहीं होता वास्तव में ये, क्योंकि उसके अंदर आप किसी अरे, एक वर्ड होता है अरे, जैसे लास्ट क्लास में शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, अरे है या नहीं। जब हम एक वर्ड की बात करते हैं अरे, अरे का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा केवल हो सकता है। अरे समथिंग व्हिच कैन मेंटेन ऑल द वैल्यूज ऑफ सिमिलर काइंड, दिस नोन एज अरे। लिस्ट की अगर मैं बात करूं, लिस्ट कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ डेटा, एक ही लिस्ट के अंदर नंबर डाल दीजिए, फ्लोट डाल, लिस्ट कैन टेक एनी काइंड ऑफ डेटा, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हो। उसके अंदर भी एक फंक्शन रह गया था आपको डिस्कस करके, शायद मैंने बताया था आपको, अपेंड और एक्सटेंड, जो फंक्शन डिस्कस किए थे क्लास में, अपेंड और एक्सटेंड बता दिए थे मैंने आपको पूरी क्लास में, जॉइन और अपेंड शर्त। देखिए दो इंपॉर्टेंट थिंग्स पे जरूरत पड़ती है उस सब चीजों की, तो एक पॉइंट में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, एक क्वेश्चन कभी भी पॉइंट अगर आता है अरे और लिस्ट में क्या बेसिक फर्क है, लिस्ट इज नॉट एन अरे, अरे बनाने के लिए नंपाई का अलग पैकेज है और उस पर काम करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट मैं बनाता हूँ एक्स, इस लिस्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, हमने कहा 4 7.8 ट्रू, कितने तरह का डेटा आपको देखिए, एक्स को आप प्रिंट करेंगे, एक इंटीजर है, एक फ्लोटिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक बूलियन वैल्यू। लिस्ट के अंदर आप किसी भी तरह का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, इवन इसके अंदर आप एक उसी लिस्ट भी मेंटेन कर सकते थे। मान लीजिए हमने एक और लिस्ट बना रखी है कोई वाई, और इसके अंदर कोई और डेटा भी है मेरे पास, अब इसको यूज करने के मेरे पास दो तरीके, इस वाई को मैं एक्स के साथ ऐड करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको अपेंड करूंगा तो ये क्या करेगा, एक वाई को एक एलिमेंट के तौर पर ऐड करेगा, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाएगी। अगर हम यहां से इसको देखेंगे तो चेक करते हैं कि दो बार हम कमांड को रन कर चुके थे, दो बार ऐड हो गए, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो रही है। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक लिस्ट के अंदर आप उसी लिस्ट को मेंटेन कर रहे, दैट इज पॉसिबल, एक तरीका तो ये हो सकता था। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इसको अपेंड ना करके इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड से क्या होगा, ये एलिमेंट इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, अपेंड और एक्सटेंड। अगर मैं मान लो इसको अपेंड ना करता और मैं इसको करता, ये मेरे पास लिस्ट है इस वक्त और ये मेरे पास एक और लिस्ट है, और इसको मैं अपेंड ना करके एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये दोनों फीचर आपको पता होना चाहिए कि हमें कब इसको क्या यूज कर रहा है, और फिर मैं इसको डिस्प्ले कर रहा होता। अब देखिए दीज एलिमेंट बिकम पार्ट ऑफ द लिस्ट है। लिस्ट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो अरे पे कर सकते हैं कि लिस्ट पे हम नहीं कर सकते। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास इस सारे केवल एक ही तरह का डेटा हो, लिस्ट में ऐसा नहीं हो, अरे में ऐसा ही होगा। अरे में जैसे अगर आपने इंटीजर टाइप का डेटा खाली इसका वाला इंटीजर फ्लोट है, सारे फ्लोट ही होंगे, इस तरह का डेटा आप चाहोगे वैसे ही बनेगा। फिर उसके ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते। आप लोगों को टॉपिक पढ़ा है मैंने कोई लिस्ट कंप्रेंशन के नाम से, हमने कोई टॉपिक पढ़ा कुछ लिस्ट कंप्रेहेंशन टॉपिक हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। देखो होता क्या है, अक्सर जैसे कभी कभी जब हम लोग रैंडम ऑपरेशंस करते हैं तो कोई रिपोर्ट हम बनाते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो सैंपल डेटा चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई जैसे लास्ट टाइम कोई डिस्कस कर रहे थे शायद आप लोगों से कि वो रैंडम नंबर सब कैसे बनेंगे,
आज उनके बारे में बात करें। तो हमारे पास जो लंबाई है वो बहुत ही पावरफुल चीज होती है। वो आप 100 नंबर्स बना रहे हैं कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बोलोगे 100 नंबर बना रहे हैं, 100 नंबर बना के वो ऐसे आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन बिना उसके अगर सपोज यहाँ पे मुझे लिस्ट बनानी है 100 नंबर्स की, तो मुझे सोचना पड़ेगा तो कैसे मैं बनाऊँ। लेकिन अगर यहाँ पे एक कमांड आप दे दीजिए, जैसे हमने कहा लिस्ट हमने अंदर और हमने एक फॉर लूप लगाई, देखो फॉर आई इन रेंज 1 to 100 नंबर, अगर यहाँ पे लूप देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंज प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और इससे अगर हम एक नंबर प्रोड्यूस करें